तो आगे से कुछ डलाता हूँ अभी चलने करने में कोई दिक्कत आ रही हो? चलने करने में तो नहीं आ रही, चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और हाँ अभी बीच में ना थोड़े दिन पहले बैटरी भी डाउन हो गई, कोटा। और कोटा में इस गाड़ी की कराएंगे सर्विस, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये दे रही है, देखो यहाँ पे इंजन का है ना, तो अब इंजन चेक कराएंगे, इंजन लाइट, और आप दिखाएंगे आपको की हुंडई की सर्विस कैसी होती है और हाथों हाथों कैसा रेस्पॉन्स करता है। तो अभी हम फटाफट तो यहाँ पे हुंडई के शोरूम में पहुँच चुके हैं हम, और अभी जाके दिखाएंगे इसको कि इंजन लाइट क्यों आ रही है इसमें। सर्विस इसकी दो सर्विस हो चुकी है पहले से ही, अब पता नहीं क्यों, तो देखते हैं हुंडई कितनी जल्दी काम करता है, क्या होता है पूरा, और हम आपको बताएंगे। ये रहा हुंडई सर्विस सेंटर, तो अंदर चलते हैं, यहाँ गेट पास बनवाते हैं। चलो भैया गेट पास बनेगा अब, यहाँ देखो क्रेटा वरना वगैरह सब आई है सर्विसिंग के लिए, हमारे 820 भी जाएगी चेक करानी। पहले जो हम आते थे जब तो अंदर जाने देते थे, बट अभी हम ये कह रहे हैं कि एक बार अंदर बात करके आओ फिर अंदर जाना, शायद अंदर जाके गेट पास वगैरह अंदर से होगा, बाहर से नहीं बनता क्या गेट पास, पता नहीं। चलो चलो अंदर चल के बात करके आते हैं और देखते हैं हुंडई कैसा काम करता है फटाफट से। भाई हुंडई वाले भैया हैं, चेक करके बताएंगे। एक बार पहले भी आई थी तब सब हो गया टाइम यार, जब भी टाइम चार पाँच महीने कुछ डाला था, मतलब अभी चलने करने में कोई दिक्कत आ रही हो? चलने करने में तो नहीं आ रही, चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और हाँ अभी बीच में ना थोड़े दिन पहले बैटरी भी डाउन हो गई, तो आ चुके थे अंदर से, पर जैसा मैं बताऊँ एक्सपीरियंस तो सही था, भैया ने अच्छे से बात करी, सही पूछा, वो चीज हमारे 12वीं में जाएगी तो हम करा लेंगे, ठीक है चलो। पर बात ये है कि अंदर जब हमने रिसेप्शन पे बात करी ना, हो जाएगा हाँ, रिसेप्शन में जब बात करी ना हमने, तो बंदे आने को तैयार नहीं चेक करने के लिए, इसको भेज दो इसको भेज दो, थोड़ा वो थोड़ा हमें लगा कि यार हुंडई की सही में अच्छी नहीं है, पर बाहर जाकर अगर भैया ने जब चेक करा तो ठीक है, वो सही था है ना, समझाने का तरीका, फिर उन्होंने कहा भी सही कि भाई अगर आपको एक घंटा लगेगा ना, हमें क्या थोड़ा टाइम भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब रखवा दो गाड़ी, और उनकी वर्कशॉप में पूरी गाड़ियाँ भर रही है, तो फिर हमने सही नहीं समझा, हमने 12 में करा लेंगे, जो चीज़ वहाँ हमारे शहर में हो सकती है हम गाड़ी एक दिन के लिए भी रख सकते हैं वहाँ हमारे शहर में, तो दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तो क्या है फिर हमें की वजह दो घंटा लग जाए टाइम नहीं है यहाँ पर, तो चलो ठीक है, अच्छी सर्विस थी हुंडई। बाकी जो वीडियो है सर्विस के लिए तो थी सही, वो काम हो गया, अपन को अब देखनी है इसकी माइलेज। तो अपन ने डलवा था इसमें अप्रोक्सीमेटली 1450 रुपये का पेट्रोल है ना, अब 1450 कितना हो जाता है, मतलब कितना लीटर पेट्रोल होगा, मतलब 10 लीटर तो 10 लीटर डलवाने के बाद 200 किलोमीटर रुपये 200 किलोमीटर की इसमें एवरेज बता रहा था कि चलेगी, और अभी जब हम पूरा घूम के आए हैं ठीक है, तो अभी इसमें आ रहा है 102 किलोमीटर, ठीक है दिख भी नहीं रहा, चल भी सीरी है थोड़ी, हाँ तो चल भी सीरी सिटी में जा रही है, कभी कभी गांव में जा रही है, कभी कौन से रोड पे आ रही है, तो एवरेज ऊपर नीचे होता रहता है, 12:30 का एवरेज आ रहा था और अभी दे रही है 10.7 का एवरेज, तो चलो कोई बात नहीं ठीक है, इसका टेस्ट हो जाएगा आज और आप लोगों को पता लग जाएगा हुंडई
i20 N line के एवरेज और सब चीज़ों के बारे में, सर्विस के बारे में, ठीक है। तो भाइयों अभी हम घूमते घूमते हमें हो चुके हैं बिल्कुल 3 घंटे और ये गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी, चल रही है अच्छे से। और इसका एवरेज जो 10.7 था वो हो चुका है अब 10.4 और अभी इसमें बच रहा है हमारे 78 किलोमीटर, चल सकती है अभी और। तो भाई ये तो सही लग रहा है, कितनी एवरेज दे रही है जो ये सब, ठीक है, सही है, सिटी में चल रही है इतनी देर से, ये मतलब गली से गली अच्छे से अच्छे रोड पर चलाई है हमने और ऐसी एवरेज दे रही है। सर्विस भी ठीक थी हुंडई की और एवरेज भी अच्छी दे रही है, जहाँ तक हमने अभी देखा है सिटी में 10 की एवरेज दे रही है, वो सही है, जो कि ये पहले 6 की दिया करती। हाँ ये भी सही बात है, तो 10 का दे रही है नॉर्मली निकाल देती है, एक बार आया था 14-15 का एवरेज पर सिटी के अंदर, देख लो। और जैसा कि आपको पता है कोटा सिटी वैसे ही बहुत अच्छे रोड कहे जाते हैं, यहाँ पे अच्छे रोड हो चुके हैं, अब डेवलप हो चुकी है कोटा सिटी, तो देखो कितने अच्छे रोड सामने भी देख सकते हो आप, तो इसलिए 10.4 का एवरेज दे रही है। बाकी अगर बेकार रोड होता तो फिर कितनी 9 चल जाती ज़्यादा, 8-9 चल जाती, बाकी वो सही है। और हुंडई की सर्विसिंग भी सही थी, तो हम ये वीडियो हम आपको एंड तक दिखाएंगे जब तक इसका ये 12 नहीं पहुँच जाती, ठीक है, तो हम एवरेज को बता देंगे आपको एग्जैक्ट एवरेज क्या थी इसमें। भाई चल रहे हैं, बुलेट्स वगैरह चल रही है, अमेज जा रही है, कभी हुंडई की गाड़ी इसका भी लेंगे रिव्यू।